अस्सलामुअलैकुम। ये बड़े भाई, आप अपना जरा तारुफ कराएंगे, नाम वगैरह बताएंगे। ये मोहम्मद एजाज कादरी, इतरवल। एजाज भाई, ये आप यहाँ कितने सालों से बैठते हैं? यहाँ तकरीबन मेरे को हो गए 17-18 साल हो गए। अच्छा, तो ये कारोबार जो करते हैं आप, इसमें ये इतर वगैरह कहाँ से लाते हैं और क्या, थोड़ी सी तफसील बताएंगे, या खुद बनाते हैं आप? नहीं, ये मार्केट से आता है माल, मार्केट से लेके आते हैं, लाइट हाउस पर पूरी मार्केट है इसकी। अच्छा, सब बेचने वाले तक हम वहीं से लाते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ से लाके हम जैसे ये बोतलों में। अच्छा, बार बार देते हैं ये सारी बोतलें आप वहीं से लाके भरते हैं? जी जी। तो ये ऐसी बोतलें होती हैं, तो एक एक अंदाजे के मुताबिक ये आजकल जो है इसका थोड़ा सा काम में कमी आई है या तेजी आई है, क्या है? काम में कमी है बहुत। अच्छा, बहुत कमी है। वजह? भाई लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, उसके बाद 2 महीने बंद था, उसके बाद फिर 15 दिन फिर बंद हो गया। अच्छा, कारोबार की मतलब आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त? हजरत, ये कारोबार का पहले तो लॉकडाउन वगैरह नहीं था, तो उससे काम अच्छा चलता था। इस दफ़ा जो है लोग हज पे भी नहीं गए, उमरा वगैरह भी उस पर नहीं गए, तो ये लोग आते थे उमरे पैसे इतर बांटने के लिए ले जाते थे, कुछ ऑर्डर दे जाते थे तो गुजारा हो जाता था इतर वगैरह बांटने। तो मेरे पास जो है ना बांटने के लिए भी वो सेटिंग है, जो दरमियाना इतर होता है, ओरिजिनल भी है और ओरिजिनल से ओरिजिनल तीन क्वालिटी का माल रखा हुआ है मेरा। जैसा ग्राहक होता है वैसे भैया के अल्लाह पाक है, शुक्र है अल्लाह पाक जो दे देता है गुजारा, कारोबार है नहीं बिल्कुल, ठंडे पड़े हुए। थोड़े हमें उन इतरों के नाम बता दें जो बहुत फेमस होते हैं और बहुत अच्छे इतर कहलाते हैं, जो इस चीज़ों को इतर में सबसे पहले दरबार का इतर होता है, दरबार इतर होता है, मुश्क होता है दूसरे नंबर पर, हीना, खस, ये संदल, उदुल हरम और सुल्तान, असील, वाइट रूट, वाइट डायमंड, दरहम, उसके अलावा इंडिया के मजमुआ वगैरह जो इस टाइप के होते हैं, सब गुलाब, मोतिया, चमेली, ये चलने वाले आइटम है, ये 12 महीने के इसके ग्राहक हैं। और बाकी आजकल के जो लोग लगा रहे हैं परफ्यूम स्टाइल में इंग्लिश में, वो इंग्लिश में ये होता है, ओपन होता है इंग्लिश में, क्लाइमेट, सिगार, वन मैन शो, ये सारी खुशबू होती है। हाँ जी, आप थोड़ा सा नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और तकरीबन 40 साल से ये मैं टोपी तस्बीह का कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त जो टोपी तस्बीह का आपका कारोबार है, हज नहीं हो रहा, उमरा नहीं हो रहा, तो इसमें क्या पोजीशन है आपके कारोबार की? इसमें हमारी ये पोजीशन कारोबार की है कि इस वक्त कुछ भी कोई भी काम नहीं है, ना टोपी का काम है, ना तस्बीह का है, ना कोई थैली वगैरह बिकती है, ना बोतलें बिकती हैं, क्योंकि ये हज उमरे वाले ही लेते हैं, इसके अलावा तो और कोई लेता नहीं है। जी, इस वक्त जो है ना कारोबार की बहुत हालत ख़राब है, बस अल्लाह ताला चला रहा है जिससे हम चल रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो सामान है लाखों रुपये का सामान पड़े हुए हैं, जो हम बोतलें भी अपने मतलब भी बनाते थे, दूसरा काम भी ये इस तरह से करते थे, लेकिन ये हज उमरा नहीं होने की वजह से करके ये सारे काम रुक गए। हम दुआ है कि अल्लाह ताला ये वायरस ख़त्म करे और हुकूमत ये इजाज़त दे कि हज उमरा शुरू हो, तो अल्लाह करे सबका काम दे। अच्छा, टोपी, बोतलें, तस्बीहां सब रुक गए आपका कारोबार? सब काम रुक गया। जानमाज वगैरह भी? जानमाज भी रुक गया, कोई भी काम नहीं। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ दुनिया भर में बहुत सारे कारोबार मुतासर हुए हैं और दुनिया की मईशत इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही है, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह बहुत से कारोबार हैं जहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी का हाल में इस वक्त गुज़र रहे हैं। इस परेशानी और मुश्किल की घड़ी में हमने कुछ ऐसे लोगों से भी रابطہ किया जिनका कारोबार हज और उम्रे के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है, मगर अफसोस उनका कहना है कि आज हमारे भी इस वायरस की वजह से कारोबार मुतासर हुआ है, जिसमें टोपी, तस्बीह और आब जमज़म की बोतलें और इतर वगैरह के काम करने वाले भी इस वक्त परेशान हाल अपना गुजारा कर रहे हैं, परेशान।